अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं और उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हैं। फिल्मों में कमाई की बात करें तो अक्षय भी आमिर और सलमान की राह पर चल पड़े हैं। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड एक्टर्स को चीन अब रास आने लगा है। आमिर खान ने तो पहले ही दिखा दिया कि वह न केवल बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं बल्कि चीन में भी उन्होंने तहलका मचा रखा है। उनकी पिछली कई फिल्में 3 इडियट्स, धूम 3, पीके और पिछले साल रिलीज हुई सीक्रेट सुपरस्टार ने जबरदस्त कमाई की है। सीक्रेट सुपरस्टार की कमाई तो अभी भी जारी है, फिल्म ने 750 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं आमिर के बाद सलमान खान भी कहां पीछे रहने वाले थे। 2015 की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान इस महीने की शुरुआत में चीन में रिलीज की गई थी, जिसकी कमाई वहां 200 करोड़ के पार हो गई है। चीन के दर्शकों को फिल्म की कहानी काफी पसंद आ रही है। आमिर और सलमान की फिल्मों के बाद बॉलीवुड के दूसरे फिल्म मेकर्स भी अपनी फिल्में चीन में रिलीज करना चाहते हैं। अब अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा चीन में रिलीज की जाएगी। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट किया कि अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टार फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा चीन में डिस्ट्रीब्यूशन के तैयार है। यह फिल्म इसी साल चीन में रिलीज की जाएगी। टॉयलेट एक प्रेम कथा एक हास्य व्यंग्य फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालती है। फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।